हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज फिर मैं आपके लिए कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू टैन वन बाई ए इंटू लॉग वाई, देन सो दैट 1 + x² d2 / dx² + 2x - a d/dx = 0। मतलब ये वर्क ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है ना। पिछले दो तीन वीडियो से हम लोग यही करते आए हैं। तो जो हमारा गिवन है उसको उठा लेते हैं हम लोग। गिवन क्या है? गिवन है x इज इक्वल टू टैन वन बाई ए इंटू लॉग वाई, ये हमारा गिवन है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है? ये चीज़ें प्रूफ करना है। तो प्रूफ को देखते हुए लगा कि डिफ्रेंसिएशन तो करना पड़ेगा, d/dx भी निकालना पड़ेगा, d2 / dx² भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया तो सही है, अगर डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता तो हम इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे और इसके LHS को उठा लेंगे, उसमें रख देंगे, ठीक है। 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे प्रूफ में 1 + x² दिख रहा है, और 1 + x² यहाँ पे कहीं भी आने का कोई चांस नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज हो सकता है, अगर हम tan को उठा के इधर कर दे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², हाँ, तो वहां से मिल सकता है। तो देखो मुझे हिंट्स मिल चुका है क्या कि इसको उठा के इधर कर देना चाहिए, तो मैंने इसको उठा के इधर कर दिया। लो tan इनवर्स x हो गया, ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 / a log y। चलिए हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो tan इनवर्स का हुआ था अब x का, तो x का तो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 1/a कांस्टेंट बाहर रहेगा, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और फिर y का dy/dx। बोलो सही है? अच्छा, तो अब यहाँ पे दिख रहा है क्या कि 1 + x² d2 / dx² है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट अभी कर दें तो इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा, 1/x के फॉर्म में है तो -1/x² आ जाएगा, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है नहीं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? 1/ay (dy/dx), और यहाँ से क्या मिल रहा है? 1/1 + x². तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा जी? ay इज इक्वल टू 1 + x² (dy/dx), सही है ना। अच्छा, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं तो a कांस्टेंट बाहर रहेगा, y का होता है dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u (v) लगेगा। क्या लगेगा? u (v). तो यहाँ पे u(v) कैसे लगेंगे? पहले वाले को छोड़ देंगे, 1 + x² को छोड़ दिए, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो d2 / dx² हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देंगे, dy/dx को छोड़ देंगे, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 + 2x, तो डायरेक्ट 2x लिख लेते हैं, डायरेक्ट 2x, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये चीजें आ चुका है, ये वाला जो टर्म था ये आ चुका है मेरे पास, ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? dy/dx को साथ में कर लेना, देखो आ चुका है 2x और ये -a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको उठा के इधर कर देते तो यहाँ क्या बच जाएगा? 0 = 1 + x² d2 / dx² और प्लस, देखो इसमें dy/dx कॉमन जाएगा तो dy/dx हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो dy/dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x और ये प्लस में a उठ के आएगा, तो इधर -a (dy/dx) = क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है ना। आप = 0 उधर भी लिख सकते हो। तो यही चीज प्रूफ करना था, तो ये हो गया क्या? प्रूफ। तो अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू a(kt cos pt + α), ये दिया हुआ है, ये चीजें गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि d2 / dt² देखो ध्यान से, देखो dt² लिखा है, x² नहीं लिखा है, और यहाँ पे dy/dt है, तो ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि हमें t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, इसको उठा के लेके चलेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमें जो गिवन है उसको हम लेके चलते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन है y = a(kt cos pt + α), ये हमारे को गिवन है, तो इसको 1 मान लेते हैं।
और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, y का डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे u इंटू वी लगने वाला है, u इंटू वी। तो a कॉन्स्टेंट तो बाहर ही रहेगा इस तरह से। पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन cos, cos का डिफरेंस है माइनस साइन, तो माइनस आगे कर लेते हैं, इंटू में साइन और पी टी प्लस अल्फा। तो ये तो हम लोग कॉस का किए थे, अब पी टी प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, पी कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, टी का हो जाएगा वन और अल्फा का हो जाएगा जीरो। तो पी यहाँ से इंटू में क्या आ जाएगा, सिर्फ पी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंस है प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे तो ए कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा ही रहेगा। दूसरा कौन है, कॉस, उसको छोड़ दिए, कॉस पी टी प्लस अल्फा इसको छोड़ दिए, और पहले का डिफरेंसेशन तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर के टी। तो ये तो ई की पावर, ई के पावर का था, अब के टी का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इंटू में के। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो प्रूफ है उसमें क्या करना है, कहीं भी ई के पार के टी नहीं लाना है, कहीं भी साइन कॉस नहीं लाना है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को हम लोग रिमूव करते चले, हम लोग इस चीज़ को एलिमिनेट करने करते चले कि ई के पार के टी ना रहे और साइन कॉस ना रहे। तो कोशिश हमारी यही रहेगी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम रिमूव कर सकते हैं कैसे, इक्वेशन वन से। देखो ये a ई टू द पावर के टी, देखो a ई टू द पावर के टी इंटू कॉस पी टी प्लस अल्फा इंटू कॉस पी टी प्लस अल्फा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y, किस इक्वेशन से, इक्वेशन वन। इस बात को आप लिख लेना ब्रैकेट में। खैर मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए ई टू द पावर के टी इंटू साइन साइन, और यहाँ पर रखेंगे पी टी प्लस अल्फा, पी टी प्लस अल्फा इंटू में पी भी था तो पी को आगे कर लें, क्या आगे कर लेते हैं, तो माइनस पी हो जाएगा, सही है। और ये हो जाएगा कितना, के इंटू वाई, ये हो गया के और ये हो गया वाई, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे क्या देखते हैं, इसको अब हमें फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अब तो इसको छोटा कर नहीं सकते। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी का कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस पी इंटू ए, तो पी इंटू ए कॉन्स्टेंट बाहर रख लिए, ठीक है, पी इंटू ए कॉन्स्टेंट बाहर रख लिए, माइनस पी इंटू ए। यहाँ पे यू इंटू वी लगने वाला है, यू इंटू वी, ये वाला यू इंटू वी, तो यू इंटू वी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यू इंटू वी कैसा लगेगा, पहले को छोड़ देते हैं, यानी ई टू द पावर के टी को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन का होता है कॉस, साइन क्या होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस पी टी प्लस अल्फा, पी टी प्लस अल्फा इंटू में पी भी आएगा, तो पी को हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरे को छोड़ देंगे, यानी कि साइन पी टी प्लस अल्फा इसको छोड़ दिए और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो ई टू द पावर के टी और इंटू में के भी आएगा, तो इंटू में आ जाएगा के, इंटू में के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब के इंटू वाई का, तो के कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी, क्योंकि हम लोग टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ e टू द पावर के टी और कॉस साइन वगैरह है, इसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमको लग रहा है पहले मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ये आसानी से रिमूव होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू ए इंटू ई टू द पावर के टी इंटू कॉस पी टी प्लस अल्फा, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा पी इंटू ए, इस के को भी आगे कर लेते हैं, ई की पावर के टू को भी आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा p इंटू ए ई टू दी पावर के टी इंटू, और k को भी आगे कर देते, तो ये रहा k, ठीक है। अच्छा तो इसको साफ साफ लिख देते हैं k इंटू पी, इस k को भी आगे लिख दें, ई पावर के टू को भी आगे लिख दें, ये रहा माइनस p है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इंटू में क्या रहा, साइन पी टी प्लस अल्फा, पी टी प्लस अल्फा, ठीक है। और ये इसका हो गया मल्टीप्लीकेशन कर लिए हम लोग, ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है अभी। और प्लस में कितना हो जाएगा, के इंटू डी वाई बाई डी टी, के इंटू डी वाई बाई डी टी, ये हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि गैप करते हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को पहले भी देख चुके हैं इक्वेशन वन पे, ए ई टू पावर के टी कॉस पी टी प्लस अल्फा, ए ई टू पावर के टी इंटू कॉस पी टी प्लस अल्फा, तो ये तो वाई हो जाएगा, इसका काम क्लियर है। इसको कैसे गैप करें, इस वाले पोर्शन को, तो इस वाले पोर्शन, साइन वाले पोर्शन को गैप करने के लिए हमें इसको इक्वेशन टू मान लेना चाहिए, इसको इक्वेशन टू मान लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें साइन वाला पार्ट दिख गया, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो हम क्या देखते हैं, अच्छा ये पूरा का पूरा वैल्यू आ सकता है, देखो माइनस पी ए, तो देखो माइनस बी है, पी ए भी है, ई टू द पावर के टी भी है, ई टू पावर के टी भी है, साइन पी टी प्लस अल्फा, साइन पी टी प्लस अल्फा। तो यहाँ पे के को छोड़कर माइनस भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये जो वैल्यूज है इतना, ये क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं इसको यहीं पर रख दिए, इस के वाई को उठा के इस साइड कर लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसका वैल्यू माइनस के साथ,
तो इस के वाई को उठा के इधर कर देंगे तो डी वाई बाई डी टी माइनस के वाई हो जाएगा। इसका वैल्यू माइनस के साथ, यहाँ भी देखो यहाँ भी माइनस का साथ है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, पी है तो यहाँ भी पी है, ए है तो यहाँ भी ए, इट बार के टी भी, इट बार के टी भी, साइन है तो साइन भी है। एक्स्ट्रा इसमें क्या है, सिर्फ के एक्स्ट्रा है, ठीक है, और माइनस भी इसके साथ चला गया। तो हम लोग यहाँ पे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे और के जगह के ही रहेगा, और इसका जो वैल्यू आएगा माइनस के साथ वो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी माइनस का के वाई, सही है। इस बात को यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर में, तो क्या मिलने वाला है जी, यहाँ से मिलेगा हमें डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर ये क्या बन गया, वाई बन गया, ये हो गया y, और यहाँ बन गया प्लस में k, यहाँ क्या बनेगा डी वाई बाई डी टी और माइनस का के वाई, ठीक है, और प्लस का k इन टू डी वाई बाई डी टी, तो ये सरकारी है ये पहले से। अच्छा अब इसको हम लोग k को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई, और यहाँ मिलेगा प्लस में k इन टू डी वाई बाई डी टी और माइनस का k स्क्वायर इन टू वाई, और क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस में k इन टू डी वाई बाई डी टी, सही ना। अच्छा अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रूफ को देखते हुए कि डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर तो सही है, और पी स्क्वायर के स्क्वायर इन टू वाई, देखो यहाँ से आएगा ये और ये कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, माइनस का वाई कॉमन आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिए तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया इंटू में वाई भी हो गया। अब ये देखो ये टर्म और ये टर्म ये बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे क्या ले आएगा, ऐड हो जाएगा ये, अरे एक आम और एक आम, दो आम आम थ्योरम से, तो एक इंटू के इंटू डी वाई बाई डी टी, सही है। अच्छा अब इन सबको उठा के इधर ले आते तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ जाएगा एक मिनट आम और आम दो आम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे टू रहेगा तो माइनस टू के इंटू डी वाई बाई डी टी, और ये हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये बात हो गया प्रूव, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, इफ वाई के पावर वन बाई एम प्लस वाई टू द पावर माइनस वन बाई एम इज इक्वल टू टू एक्स, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये चीजें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ये मतलब पता है, वाई टू वाई वन का मतलब पता है, वाई टू का मतलब डबल डेरिवेटिव और वाई वन का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, मतलब वाई वन का मतलब डी और डी एक्स और वाई टू का मतलब डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो ये मिलेगा, तो इसको उठा लेते हैं हम लोग, जो गिवन है उसको उठा लिए, तो गिवन क्या है, गिवन है y टू द पावर 1 बाई एम प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाई एम इज इक्वल टू टू एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x ही यहाँ पे फंक्शन t वगैरह तो है नहीं, बोलो इसका डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर n के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एम y टू द पावर 1 बाई एम माइनस 1 इन टू, ये तो y के पावर का किए हैं, अब y का डिफरेंशिएशन तो y1 हो जाएगा उसके स्टाइल में, और फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, y टू द पावर n के फॉर्म में, तो इसका क्या हो जाएगा, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस वन बाई एम बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाई एम y के पावर माइनस वन बाई एम माइनस वन, इस तरह से फिर y का डिफरेंशिएशन y1 वन इज इक्वल टू टू एक्स का डिफरेंशिएशन 2। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं y टू द पावर 1 बाई एम माइनस वन, तो ये तो आपको ऐसा लिख सकते हैं ना, y के पावर माइनस एम इस तरह से है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y टू द पावर 1 बाई एम इंटू वाई के पावर माइनस वन, बेस में पावर ऐड होगा तो यही आ जाएगा, फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपॉन ये y के पावर माइनस वन, नीचे आ जाएगा y, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1 बाई एम वाई टू द पावर 1 बाई एम अपॉन वाई इंटू वाई वन माइनस वन बाई एम इंटू, यहाँ पे भी y हो जाएगा और ये y के पावर माइनस वन बाई एम रहेगा और इंटू में y1 तो रहेगा ही रहेगा और इज इक्वल टू टू। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लें, तो ये तो हमें कुछ क्या क्या दिख रहा है, y1 एक तो कॉमन दिख गया 1 बाई एम और y कॉमन दिख गया, तो वन क्या क्या कॉमन आया, वाई वन अपॉन वाई एम इंटू वाई एम इंटू वाई, ये आ गया कॉमन, क्या बचा वाई टू द पावर वन बाई एम माइनस वाई टू द पावर माइनस वन बाई एम इज इक्वल टू टू, सही है। अच्छा इसको हम जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमें कुछ ऐसा दिख जाएगा वन बाई एम माइनस वाई टू द पावर माइनस वन बाई एम इज इक्वल टू टू एम वाई आ जाएगा, सही है। अच्छा अब ये जो चीज़ें हैं
ये जो चीज़ें हैं, हमारा टारगेट क्या है कि जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी y टू द पावर 1 बाई m या y टू द पावर -1 बाई m नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसे रिमूव कर लें, हम इसे क्या कर लें, गायब कर दें। तो कैसे गायब करेंगे, तो इसको गायब करने के लिए हम लोग इक्वेशन वन के पास जाएंगे। इक्वेशन वन में क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस में है ना। तो क्या यहाँ पर चमत्कार किया जाए कि ये चीज़ें ऐसा बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, a प्लस बी। तो हमारे पास बचपन में क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस 2ab बचेगा तो क्या लेकर लेंगे, प्लस 4ab कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर होगा, करके देख लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab और प्लस 4ab। तो ये चार आम में से दो आम घट जाएगा तो माइनस प्लस का दो आम बचेगा जो इसी के बराबर होता है। या फिर आपके पास अगर ऐसा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, सही ना। तो इसी फंडे को हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे हमको प्लस लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये फंडा हम अप्लाई करके फिर ऐसा थोबड़ा हम इसका बना दें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। ये सब बचपन में आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6-7 में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ, क्या किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर किए तो क्या बन गया, ये बन गया y1 का स्क्वायर, ये बन गया y टू द पावर 1 बाई m माइनस y टू द पावर -1 बाई m का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, ये हो गया 4m² y, ठीक है जी, 4m² y² सॉरी ऐसा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेनली हम लोग स्क्वायर किसके लिए किए थे, इसको हम लोग चेंज करने के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तो हम प्लस में लिखने वाले हैं ना, कैसे, इस तरह से y टू द पावर 1 बाई m प्लस y टू द पावर -1 बाई m का होल स्क्वायर। और क्या लिखेंगे, चूंकि ये माइनस में लाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में 4a into b। तो जब a into b करेंगे तो तो पावर जीरो हो जाएगा, तो पावर जीरो 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ये वाला, अच्छा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4m² into y², सही है। अच्छा तो जिसको अगर यकीन ना हो तो वो इसको सॉल्व करके देख लें, इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा तो हम इससे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अब इसमें क्या बचेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसको हम क्यों चेंज किए थे, ताकि इसके जगह हम लोग इक्वेशन वन का यूज करके इसके जगह हम 2x रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2x रखेंगे तो 4x² हो जाएगा और -4 और इज इक्वल टू 4m² y², तो देखो 4 कॉमन जा रहा है, इधर से 4 कट जाएगा तो हम डायरेक्ट काट देते हैं और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x² -1 = m² y², ठीक है जी। अच्छा अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार और, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो यहाँ पे u into v, तो पहले वाले को छोड़ेंगे तो y1 का स्क्वायर को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ 2x आ जाएगा, तो इंटू में 2x, फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे प्लस में और पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो y1 का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, 2y1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर y1 का हो जाएगा y2, सही है, इज इक्वल टू m² कॉन्स्टेंट इज्जत से बाहर आ गया y² का इंटू 2y × y1, क्लियर है। अच्छा अब हमारे पास तीन टर्म है, कितना टर्म है, 3, 1, 2 और ये 3। और हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है ना, तो गायब हो गया y1। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 2x × y1 प्लस x² -1 × 2y2। अच्छा 2 भी कॉमन है, देखो 2 भी कॉमन है तो क्यों ना 2 को भी हम गायब कर दें, है ना, तो 2 को भी हमने गायब कर दिया, तो y2 = यहाँ से y1 गायब हो चुका है, तो क्या बचा, 2 भी गायब हो चुका है, तो m² y मेरे ख्याल से प्रूफ हो चुका है। हाँ मेरे ख्याल से प्रूफ हो चुका है, देखें आप ये वाला पार्ट ये रहा और ये वाला पार्ट ये रहा, अब ये वाला पार्ट को उठा के इधर कर देते हैं तो ये बात हो गया प्रूफ। इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे, आपको भी अच्छा लगेगा ये x y1, और ये हो जाएगा कितना, x y1 माइनस m² y = 0, ये बात हो गया प्रूफ, सही है।